आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर 2021। तो हेलो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो शेयर्स बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं इसी तरह का शेयर्स अपनी फोटो लगाकर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइन मास्टर। इस ऐप को आप मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस आइकन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद आपको 1.1 वाला साइज सेलेक्ट कर लेना होगा। तो ये वाला साइज सेलेक्ट कर लें। साइज सेलेक्ट करने के बाद आपके साइड में यहाँ पे सर्कल दिख रहा होगा, आप देख सकते हो, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद आपको एडिटिंग पे क्लिक कर देना होगा। एडिटिंग पे क्लिक कर देने के बाद इसका जो ड्यूरेशन है फर्स्ट नंबर पे, इसको हम 0.5 रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। फिल करने के बाद ऊपर टिक लगा लेंगे। टिक लगाने के बाद अब हमें मीडिया पे क्लिक कर देना होगा। मीडिया पे क्लिक कर देने के बाद आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी होगी, जिस जिसका आप शेयर्स बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, आप देख सकते शेप फोटो सेलेक्टर आप सेलेक्ट कर सकते, जितनी सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, गैलरी में सेव कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसको 720 पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने तक ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होगी। फिर हमें बैग चले जाना होगा। बैग जाने के बाद आपको फिर प्लस आइकन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद आपको फिर 1.1 वाला साइज सेलेक्ट कर लेना होगा। तो साइज सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर मीडिया पे क्लिक कर देना होगा। मीडिया पे क्लिक कर देने के बाद आपको ये वाला शेयर्स डाउनलोड लेकर आना होगा जो अभी आपने एक्सपोर्ट किया था। इसको भी हम 3-4 बार कर लेते हैं, जब तक 10 सेकेंड या 15 सेकेंड तक होता नहीं है। आप जैसे 15 सेकेंड तक हो गया हमारा, तो ऊपर टिक लगा लेंगे। टिक लगाने के बाद अब हम इसको स्टार्टिंग में लेकर आएंगे, इस तरह से खिसका कर। स्टार्टिंग में लेकर आने के बाद आपको लेयर पे क्लिक कर देना होगा। लेयर पे क्लिक कर देने के बाद फिर मीडिया पे क्लिक कर देना होगा। मीडिया पे क्लिक कर देने के बाद आपको ये वाला वीडियो डाउनलोड कर लेनी होगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लें। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा कैंची के साथ में। तो फिर यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, फिर ऊपर टिक लगा लेंगे। टिक लगाने के बाद फिर इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे, जहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी हमारी, थोड़ा सा ये यहाँ पे देख सकते 3 सेकेंड तक आ जाएगी ब्लैक स्क्रीन। इस पर क्लिक करके ऊपर कैंची पे क्लिक कर देना होगा। फिर इसको स्प्लिट एट प्ले हेड कर लेंगे, थर्ड नंबर वाले पे क्लिक करके। क्लिक करने के बाद ऊपर टिक लगा लेंगे। तो फिर जो हमने कट किया था पाग, इसको क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद साइड में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो इसमें से आपको इसको स्क्रीन करना होगा। तो इसमें आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर इसको स्क्रीन कर लेंगे। तो ऊपर टिक लगा लेंगे। टिक लगाने के बाद आपको फिर स्टार्टिंग में आना होगा, इस तरह से। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको लेयर पर क्लिक कर देना होगा। लेयर पर क्लिक कर देने के बाद फिर मीडिया पर क्लिक कर देना होगा। मीडिया पे क्लिक कर देने के बाद आपको ये वाला बॉर्डर डाउनलोड कर लेना होगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने देने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो फिर ऊपर टिक लगा लेंगे, फिर इसी बॉर्डर PNG पे क्लिक करेंगे, तो इसकी लेंथ हम बढ़ा लेते हैं जितनी हमारी वीडियो है। तो ऊपर टिक लगा लेंगे। तो जो हमारा आप देख सकते स्टेटस हमारा है 13 सेकेंड तक। तो जो हमारी वीडियो इसके लेंथ ज़्यादा है, इसको कट करेंगे, कैंची पे क्लिक करेंगे, फ्रेम टू रेट कर लेंगे, ऊपर टिक लगा लेंगे। तो नीचे वाले बॉर्डर इस पर क्लिक करेंगे, कैंची पे क्लिक करेंगे, फ्रेम टू रेट कर लेंगे, फिर टिक लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा शेड्स कंप्लीट हो गया। आपको प्ले करके दिखा देता हूँ।
इस तरह से हमारा पूरा शीट्स कंप्लीट हो गया। तो आपको गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, ऊपर क्लिक कर देने के बाद फिर इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को उसको दबाकर ऑन और शेयर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।